वन, जैसा मैंने आपको बताया था साथियों, UPNHM हर बार वेटिंग लिस्ट निकालता है और इस बार भी आप सबके लिए जो वेटिंग लिस्ट आएगी दोस्तों, 2000 से ज़्यादा वेटिंग लिस्ट आएगी। डियर साथी, दुखी होने की बात नहीं है, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों और वो शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ। यहाँ पर देखिए, एक लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ जो पिछली बार दोस्तों निकाली गई थी और इसमें ये UPNHM की ही लिस्ट थी। ठीक है, ये देखिए, ये पिछली जो वैकेंसी निकल गई थी उसकी वेटिंग लिस्ट है और वेटिंग लिस्ट में दोस्तों देख सकते हो आप लोग कितने कैंडिडेट को शामिल किया गया था। जबकि इतनी ज़्यादा वैकेंसी ना होने के बाद भी ये इतना यहाँ पर वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स दिखाए गए थे। अभी अभी दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें जितने भी कैंडिडेट्स हैं जितने भी कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, उसके बाद में जो कैंडिडेट्स बच रहे हैं उनका नाम वेटिंग लिस्ट में लगभग बहुत सारे कैंडिडेट्स का देखने को मिल जाएगा। जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं उसके बारे में डॉक्यूमेंट्स के लिए वीडियो बना दी है दोस्तों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं तो वो काम कंप्लीट कर लीजिए। और जो लिस्ट में नहीं आए उनके लिए खुशखबरी ये है साथियों, आप निराश ना हो, आपके लिए दूसरी लिस्ट आएगी, 17,000 वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि इसकी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, उन लोगों को बताने के लिए मैंने आपको बताया है कि दोस्तों देख लीजिए, प्रूफ के साथ मैंने इसलिए बताया आपको, ये जो पिछली बार वैकेंसी निकल गई थी स्टाफ नर्स की उसकी वेटिंग लिस्ट देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर लिस्ट ऑफ शॉर्टेस्ट कैंडिडेट्स अगेंस्ट वेट लिस्टेड फॉर स्टाफ नर्स वैकेंट पोजिशन रिजल्ट डिक्लेयर ऑन डेट 9/7/2022, एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो। ठीक है, तो वेट लिस्ट थी पिछली बार की और पिछली बार भी दोस्तों देख लीजिए कितनी वेटिंग लिस्ट निकल गई थी, अलग अलग प्रोग्राम में वेटिंग लिस्ट है, ये 24 पेज हैं वेटिंग लिस्ट में। तो इसी प्रकार से अलग अलग प्रोग्राम की अलग अलग वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जैसे ही कोई अपडेट मिलती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, जितने भी कैंडिडेट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी सबसे पहले हम आपके लिए बताते रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।